ब्रेक रहेगा, फिर आधा घंटे के बाद बैठेंगे। हाँ इसी पे होगी, इसी पे पूरी कहाँ हुई अभी। परमिला जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैंने ये लेटर एमसीडी को लिखे हैं। ये एक सेकेंड, ये वंदना जी कल बोल चुकी थी और लेकिन उनके काफी एस्टीमेट्स जो भी लेटर हैं इनके आए हैं मेरे पास। ये हाँ परमिला जी शुरू करें। अध्यक्ष जी मैंने ये इतने लेटर एमसीडी को लिखे हैं टेंडर लगवाने के लिए, लेकिन एक भी टेंडर अभी तक नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास मेरा ऐसा एरिया या तो एमसीडी का है या सीपीडब्ल्यूडी का है। एमसीडी के पार्कों में झूले, लाइटें, उसमें डस्टबिन, उसमें जिम, सभी अपने पूरे विधानसभा में हमने लिखे, लेकिन कोई भी अभी तक एस्टीमेट नहीं बनाया। अध्यक्ष जी हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे एमएलए की कोई भी शिकायतें नहीं होती, ज्यादातर जो शिकायत होती है वो एमसीडी से रिलेटेड शिकायतें होती हैं, और जो एमसीडी बिल्कुल करते नहीं है। अध्यक्ष जी आज भी हम अभी मीटिंग करके आए, उस मीटिंग में भी ना उनकी जो शिकायतें थी, ना कहीं पे लाइटें हैं, पोल लगाने वो पोल नहीं लगाए जा रहे, और जो लाइटें लगाई हुई हैं वो उन्होंने छत पे या कहीं दीवार पे लगी हुई है, कोई पोल पे नहीं लगाते। अध्यक्ष जी ये जो पैसा है ये पब्लिक का पैसा है, ये हमारा कोई पैसा नहीं है। जो पब्लिक ने हमें चुना था तो हमें इसीलिए चुना था जो उनकी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करें, और जो भी हम एरिया में जाते हैं तो हमारी शिकायतें सारी एमसीडी की होती है, तो हम जब पब्लिक को भी ये बोलते कि ये हमारा काम नहीं है एमसीडी का काम है तो उनको भी बुरा लगता है, और पब्लिक भी ये जानती है कि वो काम एमसीडी के काउंसलर नहीं करेंगे, आप ही कराएंगे। अध्यक्ष जी इसलिए मैंने ये इतने लेटर एमसीडी को लिखे हैं, अब तक कोई भी टेंडर नहीं लगाया, और टेंडर लगाया अभी तक काम शुरू नहीं किया। मैंने 25 गलियां अपने मुनीर का गांव की लगवाई, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने सेक्टर 4 में पर्वतीय कैंप है, उससे उसमें से नाला जाता वो पक्का कराने के लिए पैसे दिए, अभी तक वो नाला पक्का नहीं किया गया। मैंने मोहम्मदपुर में पार्क है एमसीडी का, उस पार्क में झूले लगाने के लिए, जिम लगाने के लिए, उसमें दीवार करने के लिए, उसके लिए पैसे दिए, आज तक वो काम नहीं किया गया। अध्यक्ष जी जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता, और ना मीटिंग के लिए आते हैं, और ना ही टाइम देते हैं। फोन नहीं उठाते तो टाइम भी नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं। तो ये अध्यक्ष जी आज ये सुनिश्चित करें, ये ऑर्डर करें कि जो भी, क्योंकि वो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो भी पब्लिक के लिए आए हैं, उन्हीं के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, और हम भी पब्लिक के लिए हैं, जब हम इतनी भागदौड़ करते तो वो क्यों नहीं करते, और हम कोई अपने लिए काम नहीं बता रहे, हम जनता के काम के लिए इनके पास जाते हैं। कई बार हम भी गए हैं कमिश्नर के पास भी, और मैंने अभी भी टाइम लिया क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे क्षेत्र में सारी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं सीपीडब्ल्यूडी की है, उसमें सारी एमसीडी की दिखते हैं, चाहे वो नालियों की हो, अभी बरसात शुरू होने वाली है, सारी नालियां टूटी पड़ी है, ना उन पे कवर है, अभी बारिश हो गई फिर मच्छर पैदा होंगे, फिर मलेरिया बीमारियां शुरू हो जाएंगी, फिर कहेंगे कि दिल्ली सरकार के ऊपर टोकरा रखेंगे कि वो नहीं कर रहे। और पिछली बार दिल्ली सरकार ने ये मुहिम चलाई थी मलेरिया या डेंगू, पिछली बार हमने सुना था कि बहुत कम डेंगू के ऐसे केस देखे हमने, क्योंकि वो हमने पहले से ही कार्रवाई शुरू की, इसलिए दिल्ली में डेंगू के जो केस थे वो कम थे। और मुझे लगता है कि एमसीडी भी अपना कार्य अगर सुचारू रूप से करे तो कहीं पे भी दिल्ली में कोई भी शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि अपना कार्य हम अपनी ईमानदारी के साथ करें। और एमसीडी से रिलेटेड है सर जी, वो अपने पूरा मेहनत करके आई हैं, पूरा लेटर लेके आई हैं। नहीं चले,
एक महिला के साथ कभी कभी बोलती है तो डेंगू एमसीडी का विषय नहीं है। नहीं सर, सर जी आप ये एक महिला को आप ये ठीक नहीं सर, नहीं ये सर सर जी ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो चलिए ठीक है, नहीं ये तरीका ठीक नहीं। आप रखिए परमिला जी, विषय हो गया पूरा? नहीं अध्यक्ष जी, मैं करूंगा, अभी करूंगा, चिंता मत करिए। अध्यक्ष जी जब ये बोलते हैं तब हम बोलते हैं तुरंत बिठा देते हैं, ये आपके पास झूठ बोलते हैं, हम तो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई सुनने के लिए तैयार भी है। दिल्ली की जनता के लिए जब भी हाथ ऐसे ही कर रहे हैं, छोड़ दिए। हाँ चलिए अध्यक्ष जी, दिल्ली की भलाई के लिए जब हम हाउस में काम करते हैं तब ये यही काम करते हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता के विरोध है भाजपा पार्टी, अभी हमारी बहन के साथ बलात्कार भाजपा के साथ। आप पेपर रखिए सारे, परमिला जी आप पेपर रखिए, सदन पटल पर रख दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया आपका विषय, हो गया।